तो दोस्तों हमारी स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन दिख रहा है, क्या कह रहा है एक क्वेश्चन, अ मोटरसाइकिलिस्ट एज अ पार्टिकल इज अंडरगोइंग वर्टिकल सर्कल इनसाइड अ स्पीयर ऑफ डेथ, द स्पीड ऑफ मोटरसाइकिल वेरीज बिटवीन 6 मीटर पर सेकंड एंड 10 मीटर पर सेकंड, कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ स्पीयर ऑफ डेथ, व्हाट आर द मिनिमम वैल्यूज आर पॉसिबल फॉर दिस टू स्पीड। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पर एक स्पीयर ऑफ डेथ को बना लेंगे, ये हमने बना लिया स्पीयर ऑफ डेथ, यहाँ पर की पोजीशन को हम बोलेंगे L और यहाँ की पोजीशन को हम बोलेंगे P। हमको पता है बच्चों जब गाड़ी नीचे होती है तो उसकी स्पीड ज़्यादा होती है और ऊपर में इसकी स्पीड ज़्यादा होती है और ऊपर में इसकी स्पीड कम होती है। तो हम यहाँ पर दो स्पीड हमको दी है, एक है 6 मीटर पर सेकंड और दूसरी है 10 मीटर पर सेकंड। मान लो गाड़ी यहाँ से स्टार्ट हो गई है तो ये हो जाएगी उसकी इनिशियल स्पीड और यहाँ आते आते उसके फाइनल स्पीड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे, u इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड और v क्या आ जाएगा, v आ जाएगा 6 मीटर पर सेकंड। हमको क्या करना है, हमको डायमीटर निकालना है, तो ये डायमीटर और h एक ही हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या यूज़ करने वाले हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज़ करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो टोटल एनर्जी एट पी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट एल हो जाएगा। तो पी के ऊपर कौन कौन सी एनर्जी रहेगी, तो यहां पर ये पी हाइट पे है इसलिए यहां पर पोटेंशियल एनर्जी भी रहेगी और काइनेटिक एनर्जी भी रहेगी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, तो वो है हाफ एम वी स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, तो वो है एम जी एच, यहाँ पर आप एच की जगह पे डी भी लिख सकते हो। और टोटल एनर्जी एट एल वो क्या है, हाफ एम यू स्क्वायर, यहाँ पर ये एल जो है वो ग्राउंड से अटैच है जिसके कारण यहाँ पर किसी भी तरह की पोटेंशियल एनर्जी नहीं रहेगी। अब मैं क्या करता हूँ, एम 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 को मार देता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पर, वी स्क्वायर बाय टू प्लस जी एच इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाय टू। अब मैं वी स्क्वायर बाय टू को इधर लेके जाता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, जी एच इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाय टू माइनस वी स्क्वायर बाय टू। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस जी को इधर लेके जाता हूँ तो एच क्या हो जाएगा, तो h हो जाएगा u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर अपॉन 2g, ये हो गया है। अब मुझे तो इसके अंदर फिर अब वैल्यू पुट करनी है, तो h इज इक्वल टू u कितनी है, तो u है 10, तो 10 स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 100 माइनस u कितना है, तो u है 6, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, वो होता है 36 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10। तो यहाँ पर H कितना आ गया, 64 डिवाइडेड बाय 20, तो ये कितना आ गया, ये आ गया है 3.2 मीटर। H की वैल्यू कितनी आ गई है, तो H की वैल्यू आ गई है 3.2 मीटर। इसी को हम क्या बोलेंगे, इसी को हम बोलेंगे डायामीटर, इसी को हम क्या बोलेंगे, इसी को हम बोलेंगे डायामीटर। डायामीटर कितना है, 3.2 मीटर। अच्छा ये यहाँ से गायब हो गया 3.2 मीटर। अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है रेडियस, तो रेडियस कितना आएगा, तो रेडियस आएगा 1.6 मीटर आएगा। अब हमको मिनिमम वेलोसिटी निकालनी है एल के ऊपर और पी के ऊपर, तो मिनिमम वेलोसिटी एट पी का फॉर्मूला क्या है, रूट जी आर फॉर्मूला है, यहाँ पर कितना फॉर्मूला है, रूट 5 gr है। तो वी मीन एट एल कितना आता है, रूट 5 gr आता है, तो रूट 5 इंटू g कितना है, 10 इंटू r कितना है, तो वो है 1.6। तो ये कितना आता है, 50 इंटू 1.6, तो ये आता है रूट 80। रूट 80 कितना होता है, रूट 16 इंटू 5 यानी 4 रूट 5
ये आ गया आपका मीटर पर सेकंड में। तो वी मीन एट एल कितना आ गया है, तो वो आ गया है 4√5 मीटर पर सेकंड। अब हमको निकालना है वी मीन एट पी, तो उसका फॉर्मूला क्या है, उसका फॉर्मूला है √gr। तो ये कितना हो जाएगा 10 × 1.6 कितना होता है 16, तो ये कितना हो जाएगा 4 मीटर पर सेकंड। तो वी मीन एट पी कितना हो जाएगा 4 मीटर पर सेकंड, वी मीन एट एल कितना होता है, तो वो होता है 4√5 और डायमीटर कितना है 13 और डायमीटर कितना है, तो वो है 3.2। तो ये हो गया सॉल्व।